दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि बिहार में जो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक लोन मिलता है, उस लोन में आपको कैसे इंटरेस्ट देना होता है, कब किस्त जमा करना हो, कितना रुपए किस्त देना हो, कब कब किस्त देना हो, कितना इंस्टॉलमेंट, कितनी किस्त में आपको पूरा लोन जमा करना हो, कितना आपको प्रोसेसिंग चार्ज कटेगा और कैसे आपको लोन मिलेगा, पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, पिछले साल के वीडियो में। अभी न्यू साल का अभी अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे वो अप्लाई स्टार्ट होता है तो उसके बारे में आपको बताऊंगा न्यू वीडियो में। लेकिन आज के इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक लोन में कितना रुपये तक मिलता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, कब किस्त जमा करना होता है, कितना रुपये किस्त जमा करना होता है, कितना किस्त जमा करना होता है, कितना प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पूरी चीज़ हम आपको विस्तार से बताएंगे कैसे आपको और क्या इंटरेस्ट लगेगा, पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, साथ साथ कैलकुलेट करके भी आपको बताएंगे कितने परसेंट कितना आपको लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का एक नोटिस है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, इस लोन के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग को लोन मिल जाएगा। लोन आप ले सकते हैं मुस्लिम, जैन, फारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये सभी धर्म जो है ये अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इस धर्म से आते हैं तब आप अल्पसंख्यक लोन ले सकते हैं। मुस्लिम, जैन, फारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये सभी धर्म के लोग मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक लोन ले सकते हैं। तो अब नीचे आएंगे, यहाँ पे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, इसमें बताया गया है इस योजना को किसके लिए चालू किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी एवं जैन समुदाय के लोगों के लिए ये लोन योजना शुरू की गई, जिसमें आप 1 लाख से अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 2012-13 से हुई है, ठीक है, और अब तक चलते आ रहा और आगे भी चलते रहेगा। 2012-13 और 2015-16 में इसकी जो लोन बांटी थी वो 25 करोड़ बांटी थी, फिर उसके कुछ अगले साल 100 करोड़, इसी तरह ये बढ़ते जाता है, ठीक है। हर साल इसका जो आवंटन है वो बढ़ता ही जाता है। जब शुरू हुआ था 25 करोड़ मिला था, 25 करोड़ लोगों को लोन मिला था, 25 करोड़ रुपए का लोन मिला था, लेकिन अभी जो 100 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए लोन दिया जाता है हर साल। तो इसकी जो आवंटन है ये हर साल बढ़ती रहती है। तो मेन मुद्दे पर आते हैं कि इसकी जो लोन इंटरेस्ट है वो क्या होती है, वो हम पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको दिया गया है। लोन लेने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आप उसी जिला के निवासी होना चाहिए, बिहार के उसी जिला के निवासी होना चाहिए जिस जिला से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस जिला का आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ऋण लेने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा, साथ साथ आप किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इस कैटेगरी, इस धर्म से आप होना चाहिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी समुदाय से होना चाहिए। और इस लोन को लेने के लिए आपकी वार्षिक आय जो है वो 4 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको आय, आवासीय वगैरह डॉक्यूमेंट लगेंगे जो कि अंचल अधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी या BDO के द्वारा निर्गत होना चाहिए। ब्याज दर की बात कर लेते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लाभार्थियों को ऋण मुहैया कराई जाएगी, ठीक है। मतलब कि इस योजना के लिए, इस लोन के लिए आपको वार्षिक सालाना 5% आप जो जितना लोन लेंगे उसके 5% आपका ब्याज लगेगा, वो भी वार्षिक लगेगा, मंथली नहीं लगेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको एक मामूली सी 5% साधारण वार्षिक ब्याज लिया जाएगा, मासिक नहीं, साल में आपको ये 5% का ब्याज लिया जाएगा आपके अमाउंट के अनुसार, आप जितना लोन लेते हैं। उसके बाद इस योजना के नियमित चयनित आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करते समय निगम द्वारा प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में 0.5% शुल्क लिया जाएगा, यानी कि इस लोन का प्रोसेसिंग चार्ज आपको 0.5% लिया जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपये लोन लेते तो आपको 500 रुपये काट लिया जाएगा प्रोसेसिंग लोन के
रूप में, यानी कि 1 लाख रुपये आपका लोन पास होता है तो 99,500 रुपये आपको आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। 500 रुपये जो वो प्रोसेसिंग चार्ज में आपको 0.5% की दर से काट लिया जाएगा आपके अमाउंट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया लाभार्थी द्वारा निर्धारित समय में किस्तों को भुगतान कर पूर्ण वापसी किया जाता है तो उन्हें देय ब्याज में से 0.5% की छूट मिल जाएगी। अगर कोई लाभार्थी जो भी लोन लिए हैं लाभुक जो भी लाभुक लोन लिए अगर वो समय समय पर किस्त अपना दे देते हैं तो उसका जो वार्षिक ब्याज है उसमें से उसको 0.5% छूट मिल जाएगा, उस ब्याज में से उसको 0.5% छूट मिल जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपये लोन लेते तो 0.5% आपका यहाँ प्रोसेसिंग चार्ज कट जाती है। अगर आप समय समय पर किस्त देते हैं तो वहाँ पर आपका जो ब्याज होता है उस ब्याज में से आपको 0.5% यानी कि 500 रुपये छूट मिल जाती है। अब बात करते हैं कि लोन आपको कब देना हो, कितना देना होगा, कितने रुपए देना होगा। लाभार्थियों से 20 सामान त्रैमासिक किस्तों में मूलधन व ब्याज निगम द्वारा वसूल किया जाएगा। आपको टोटल 20 किस्त देना होगा इस लोन को पूरा ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं त्रैमासिक, यानी कि हर 3 महीना आपको एक किस्त देना होगा, हर 3 महीना पे आपको एक किस्त देना होगा। अगर आप ये समय समय पर किस्त नहीं दे पाते हैं तो आपको 0.5% का जो यहाँ पे ब्याज में छूट मिलने वाला ये नहीं मिलेगा। अगर आप 0.5% के ब्याज में छूट लेना चाहते हैं तो आपको समय समय पे ये किस्त आपको भुगतान करना होगा। और यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कैलकुलेटर ओपन कर चुका हूँ। जैसे कि अगर आपको 20 सामान किस्त देना होगा जो कि त्रिमाही किस्त देना होगा, हर 3 महीना में आपको किस्त देना होगा। अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेते हैं, ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेते हैं तो आपको हर 3 मंथ में, ठीक है, हर 3 मंथ में आपको 5,500 रुपए जमा करना होता है। अगर आप 1 लाख लोन लेते हैं हर 3 मंथ में आपको 5,500 रुपए जमा करना होता जो कि 20 किस्त में आपको जमा करना होता है। तो यहाँ 5,500 × 20 करेंगे, अगर आप 1 लाख लोन लेते हैं तो हर 3 मंथ में आपको 5,500 रुपये जमा करना होता है, टोटल आपको 20 किस्त जमा करना होगा। यानी कि 5,500 × 20 करेंगे इक्वल टू हो जाएंगे 1,10,000। आपको 1 लाख लोन मिला था जिसमें आपको 1.5 साल यानी कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, 1 साल में 4 किस्त आपको जमा करने होते हैं, ठीक है, 1 साल में 4 किस्त आपको जमा करने होते हैं, ठीक है, 1 साल में आपको 4 किस्त जमा करनी होती है, हर 3 महीने में आपको 5,500 रुपये जमा करने होते हैं 1 लाख के। मैं जो बता रहा हूँ अभी 1 लाख का बताऊँ, इसी के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा लोन मिलता है तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे लगेगा। तो अगर आप 1 लाख लोन लेते हैं तो 5,500 रुपये हर 3 मंथ में आपको जमा करना होता है, यानी कि 1 साल में 4 बार, यानी कि 1 साल में आपका 4 किस्त जमा हुआ, टोटल आपको 20 किस्त जमा करना होगा। ये टोटल रुपये आपको 5 साल में यानी कि हर साल 4 किस्त आपको जमा करना होगा, यानी कि ये 20 किस्त आपको 5 साल में पूर जाएगा। और 5 साल में आपको जमा कितना करना होगा, 1,10,000 रुपये आपको जमा करना होगा जिसमें आपको लोन मिला था 1 लाख, यानी कि 10,000 आपको रुपये इंटरेस्ट लग रहा है 5 सालों के लिए। तो यहाँ बहुत ही कम आपको इंटरेस्ट लग रहा है, 1 लाख का आपको 5 साल में 10,000 ही इंटरेस्ट लग रहा है जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे डिवाइस किया जाता है और बताया जाता है इतना रुपया आपको किस्त लगेगा। यहाँ पे मैं आपको 1 लाख का बताया क्योंकि कम से कम 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख होता है, तो 1 लाख पे यह है। तो अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसी के हिसाब से आपको अमाउंट भी वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो समझ गए हैं कि 1 लाख का 5 साल में आपको 10,000 सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। 5,500 आपको हर 3 मंथ में देना होगा, टोटल आपको 20 किस्त देना होगा। 20 किस्त कब पूरेगा, 5 साल में, क्योंकि 1 साल में 4 बार आपको जमा करना, क्योंकि हर 3 महीना आप जमा करना होगा। 6 महीना में 2 किस्त, 9 महीना में 3रा किस्त, 12 महीना में 4था किस्त, यानी कि 12 महीना का 1 साल, ठीक है। तो 4 किस्त आपको 1 साल में और 5×4=20, यानी कि 5 साल में आपको ये 1 लाख का जमा करना होगा इंटरेस्ट के साथ इसी, ठीक है। तो ये 5,500 में आपका इंटरेस्ट और मूलधन दोनों जमा हो रहा है। तो इसी तरह 1,10,000 आपको होता है जिसमें 1 लाख लोन मिलेगा। तो इतना ही कम इंटरेस्ट में आपको गवर्नमेंट दे रही है, 1 लाख में 10,000 से भी इंटरेस्ट ले रही, वो भी 5 सालों के लिए। अगर आप समय समय पर ये 20 किस्त जमा कर देते हो तो आपका जो इंटरेस्ट है जो कि ब्याज है, ठीक है, उसमें से 0.5% की छूट की जाएगी। अगर 1 लाख का आपका लोन था तो उसमें आपको 500 रुपये छूट और कर दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए,
अगर आप समय समय पे किस्त नहीं दे पाते हो, यहाँ पे दंड ब्याज है, आपको दंड लगेगा ब्याज की तौर पे लॉ बुक द्वारा प्रत्येक वर्ष की देय किस्तों के अनुसार। प्रत्येक वर्ष में आपको जितना किस्त देना है, यानी कि प्रत्येक वर्ष में आपको चार किस्त देना होगा, एक किस्त हो गया 5500, यानी कि चार किस्त देना होगा, यानी कि हर साल आपको 22,000 रुपये जमा करना होगा। अगर आप ये नहीं जमा करते हर तीन माह पे, तो देर के अनुसार भुगतान नहीं किए जाने पर वर्ष के समय जब इस वर्ष समाप्त होने लगेगा तो उसमें आपको ब्याज के बदला चक्रवर्ती ब्याज गना जोड़ा जाएगा, यानी कि जो आपको एक मामूली सी वार्षिक ब्याज लग रहा था, तो अगर आप समय पर नहीं देंगे तो आपको चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पे लगने वाला है इतना रुपये, क्योंकि साल में इतना रुपये आपको जमा करना था, आप नहीं किए तो ये 22,000 जो साल में जमा करना था 1,00,000 का, तो उसका आप चक्रवर्ती ब्याज आपको लगेगा अगर आप समय पर जमा नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है, जैसे कि मामूली आपको 1,00,000 पे 10,000 लग रहा था 5 साल में, तो यहाँ पे आपको चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, यानी कि ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गारंटर के तौर पे 1,000 रुपये आपको लिया जाएगा। पहले ये आपको DD में लिया जाता था, अब DD में नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे 1,00,000 तक की लोन के लिए आप स्वयं गारंटर होंगे, इस किसी के गारंटर की ज़रूरत नहीं है, 1,00,000 के लिए खुद आप गारंटर हैं। अगर आप 1,00,000 से 5,00,000 के बीच में लोन ले रहे हैं तो कोई सरकारी विभाग के कर्मी होना चाहिए, टीचर हो, बैंक कर्मी, किसी भी तरह का कोई सरकारी जॉब में होना चाहिए, तो उसको आप गारंटर में रख के 1,00,000 से 5,00,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। जब आप ये किस्त जमा करेंगे तो आप कैसे जमा करेंगे, उसके लिए जब आप लोन लेंगे तो आपको कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 20, आपको 20 चेक लिए जाते हैं, 20 चेक आपसे लिए जाएंगे, जो चेक पे आपको सिग्नेचर करके देना होगा। जब भी इनका किस्त का समय पूरेगा तो वो चेक से आपका किस्त काट लेंगे, तो 20 चेक आपको देना होता है। ठीक है, और कैसे ऋण की स्वीकृति होती है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया। मेन जो टॉपिक था कि कितना ब्याज लगेगा, कब जमा करना होता है, कैसे जमा करना होता, वो मैं आपको बता दिया। तो आपको मैंने सभी चीज़ बता दी, कितना रुपए का कितना किस्त लगेगा, कब किस्त लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट नहीं देने पर क्या आपको दंड लगेगा, पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। अगर इसका PDF चाहिए, ये PDF तो आपको विस्तार से आप PDF लेके आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको लिंक भी मिल जाए, ये PDF मिल जाएगा, साथ साथ यहाँ पे हिंदी और उर्दू में आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, साथ साथ इसी के रिलेटेड जो भी जानकारी आती है मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी टेलीग्राम पे जुड़ने का सुझाव दीजिए, ताकि जो भी जानकारी हो सबसे पहले आप तक मिल सके। और ये PDF आप टेलीग्राम की मदद से आप हमसे लेकर और अच्छे से खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।